जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जबरदस्त बवाल मच गया, बात व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई। सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ बहस हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि अखिलेश यादव सारी मर्यादा भूल गए और वो दू तड़ाक पर उतर आए। ये सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों के सामने हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बचाव करते हुए सदन में ही अखिलेश यादव को चेतावनी दे दी। आपको सीएम योगी का वो बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से क्या कह दिया था। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूँ कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा है तो बताइए। आपने सुन लिया कि किस तरह से अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ बदतमीजी की, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को, आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। मुझे लगता है सदन की मर्यादा इससे आज